लेकिन आज का दिन तो ये कहेंगे राजस्थान की राजनीति में आज का दिन रहा गहलोत के नाम। गहलोत भारी पड़े क्योंकि सचिन जिस तरह की बात कर रहे थे, इतनी संख्या होने की बात कर रहे थे, वैसा आज वो जमीन पर दिखा नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामला टल गया है, संकट टल गया है, पिक्चर खत्म हो चुकी है। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि पूरी की पूरी सियासत उठकर जो है वो चली गई है होटल में, तो अभी वो दो दिन वहीं पर ठहरेंगे। उधर सचिन पायलट की जहां तक बात की जाए तो उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। अब उसमें कूद पड़ी है प्रियंका गांधी भी, देखिए किस तरह से डैमेज कंट्रोल हो रहा है। राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं, कहां सचिन पायलट पर एक्शन लेने की बात हो रही थी और अब देखिए कि किस तरह से उनको मनाने में जुट गए हैं। और आज रणदीप सुरजेवाला सुबह सुबह आकर कहते हैं, जो कल बड़े कड़े तेवर दिखा रहे थे, कि भाई उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर सत्ता की सियासत होटल तक पहुंच गई है। सिर्फ किरदार अलग हैं, कहानी वैसी ही नजर आ रही है जैसा आपने महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर कई राज्यों में देखा होगा। जी हाँ, बस भी है, बस में विधायक भी हैं और इस बार मुख्यमंत्री भी विधायकों के साथ हैं। जयपुर की ये तस्वीर सीएम अशोक गहलोत के घर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद की है। पार्टी के जो विधायक सीएम के घर मीटिंग में पहुंचे, उन सबको चार बसों में भरकर जयपुर के फेयरमोंट होटल में भेज दिया गया। सीएम भी होटल में दो दिनों तक एमएलए के साथ रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। दो बार समय टलने के बाद हुई इस मीटिंग की शुरुआत में ही सीएम अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाई। उनके साथ कांग्रेस आला कमान की तरफ से विजय गए रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी थे। मीटिंग के बाद गहलोत समर्थक कांग्रेस नेताओं ने 107 में से 107 यानी सभी कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी का दावा किया। सर, टोटल कितने बता दिया ना, कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, स्पष्ट बहुमत के साथ में। और आप ये देखिए दिन प्रतिदिन ये हमारी संख्या इसकी और बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि जब सभी विधायक पार्टी की बैठक में आ ही गए तो फिर मुख्यमंत्री गहलोत को उन्हें होटल में शिफ्ट करने की क्या जरूरत आ गई? आखिर खतरा किस बात का है? उधर सचिन पायलट खेमे का दावा है कि कांग्रेस के 20 विधायक सीएम के घर हुई बैठक में नहीं पहुंचे। सचिन पायलट के करीबियों का सवाल है कि अगर सीएम गहलोत के साथ बहुमत है तो फिर विधायकों की गिनती क्यों नहीं की गई? विधायक दल की बैठक के बाद सीएम होटल क्यों गए? गवर्नर हाउस क्यों नहीं गए? कांग्रेस में मची मौजूदा कलह के बीच बीजेपी का दावा है कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बैठक में शामिल होने को लेकर व्हिप जारी किया था। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जो भी नेता कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस पर पार्टी खामोश है। इसकी वजह सचिन पायलट को मनाने की कोशिशों को बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद सचिन पायलट को फोन कर मुलाकात की बात कही। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पर्दे के पीछे से सचिन पायलट को समझाने में जुटी रहीं। डैमेज कंट्रोल में उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जी मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें आखिरी दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साख पर है संकट। आपको हम दिखा रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से सचिन पायलट की ओर से जो दावा किया गया था कि 30 विधायक उनके साथ है, वो तो धड़ाम हो गया आज। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने कहा कि भाई 107 विधायक तो उनके साथ है। अब सचिन पायलट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि व्हिप जारी कर दिया गया था, एक्शन लेने की यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा तेवर जो है वो नरम पड़ते हुए नजर आए। विधायक दल की बैठक में पार्टी विरोधियों पर एक्शन का प्रस्ताव पास किया गया था, लेकिन सुबह होते होते देखिए कैसे नरम पड़े तेवर। कार्रवाई का प्रस्ताव पारित होने पर भी एक्शन अब तक नहीं हुआ है। राहुल के साथ मिलकर प्रियंका सचिन पायलट को मनाने में जुटी हुई हैं। सचिन ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर हालांकि अभी तक तो कुछ नहीं कहा है, अपने पत्ते फिलहाल सचिन पायलट ने तो नहीं खोले हैं, लेकिन उधर संकट मोचक बनकर जो निकले उनमें से एक
केसी वेणु गोपाल, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आखिरी कोशिशें जो है वो जारी है। जयपुर दफ्तर से सचिन के पोस्टर्स भी हमने देखा कि किस तरह से हटा लिए गए थे, लेकिन अब एक बार से फिर से वो लग चुके हैं। तो ये राजनीति जो राजस्थान में चल रही है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आला कमान अब जब आया है तो सचिन को ये लग रहा है कि भाई क्या वाकई में वैसी ही स्थिति होगी, क्या वाकई में वही चीज होगी, तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। शशि मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए हिमानी, बड़ी रोचक स्थिति है कांग्रेस में। जो सत्ता और संगठन है उसमें संघर्ष इतना गजब का है कि सत्ता के संगठन के चार पहलू, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर, सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक राकेश पारिक, तीनों बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और NSUI के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया, वो भी पायलट के समर्थन में उनके पोस्टर लगाते हुए दिखे हैं। बहरहाल, अगर यहाँ बरसात के बाद जो मच्छर निकल रहे हैं उनमें 100-100 मच्छर भी एक विधायक के बराबर होता तो 200 से ज़्यादा विधायक यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन होटल फेयरमाउंट को देखिए आप, यहाँ पर 5 सितारा होटल है, 7 सितारा होटल है ये, और इसमें विधायकों को रखा गया है। सत्ताधारी एक बात बताइए ना शशि, किया गया है कि शशि 109 को ये कह रहा है, और खासतौर पर अशोक गहलोत की अगर बात करें, जब वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर किस लिए यहाँ पर लाकर बैठा रखा है? सवाल यही उठता है, सत्ताधारी कैंप 109 विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहा है, सचिन पायलट 30 से ज्यादा विधायकों की बात कह रहे हैं। सवाल यही है कि अगर सरकार के साथ में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के साथ में विधायक हैं, तो फिर इस बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है? देखिए, ठीक है, 43 साल के सचिन पायलट और 43 साल का अनुभव रखने वाले अशोक गहलोत, दोनों के बीच मुकाबला है। और ये मुकाबला इस कदर है कि महीने में दूसरी बार, एक महीने पहले राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़े बंदी हुई थी, और भाई जो सम्मान वापसी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट के दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई ठीक है, वापसी तो हो जाएगी, लेकिन गहलोत और गहलोत जो ग्रुप है उनके साथ क्या फिर से वैसा ही तारतम्य बैठा पाएंगे, ये भी एक देखने वाली यहाँ पर बात होगी। चलिए फिलहाल शुक्रिया शशि, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए आगे।